नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, मारकाट और चीरफाड़ की राजनीति भी बढ़ने लगी है। सूबे में बढ़ती सियासी हत्याओं से पहले ही बीजेपी के निशाने पर आई ममता की टीएमसी ने अब तो जुबानी मर्यादाएं भी लांघनी शुरू कर दी है। ममता के मंत्री तक कह रही है कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। तो वही टीएमसी की शांति रैली में नारे लग रहे हैं, बंगाल के गद्दारों को गोली मारो सालों को। न जाने ये दीदी की कौन सी शांति रैली थी जहां गोली मारने के नारे से सूबे में शांति लाने के नारे लगाए जा रहे हैं और इन्हीं नारों के दम पर दीदी सत्ता बचाने चली हैं। वही दीदी जो दिल्ली में कथित तौर पर लगाए गए इसी नारे की वजह से कभी बीजेपी पर बुरी तरह से भड़क गई थी। आपको याद होगा, जब राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी पर आरोप लगे थे कि उसकी रिठाला चुनावी सभा में नारे लगाए गए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर मंच से नारा लगा रहे थे देश के गद्दारों को और उनके सामने खड़े बीजेपी समर्थक बोल रहे थे गोली मारो सालों को। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। बीजेपी की जनसभा में लगे इस नारे के बाद पिछले साल मार्च में बंगाल की सड़कों पर अमित शाह की रैली में भी यही नारा गूंजा, जिस पर बुरी तरह से भड़की सीएम ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था, मैं कोलकाता की सड़कों पर गोली मारो के नारे लगाने वालों की निंदा करती हूँ। ये दिल्ली नहीं है और यहाँ ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून अपना काम करेगी। जिस नारे की वजह से ममता बनर्जी बीजेपी पर भड़क रही थी, आज जब बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो खुद सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की ओर से निकाली गई शांति रैली में ये विवादित नारे लग रहे हैं। राजधानी कोलकाता के दक्षिणी इलाके टॉलीगंज से राश बिहारी एवेन्यू तक निकाले गए शांति जुलूस में भीड़ चिल्ला रही थी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस तरह के विवादित नारे लगने की वजह से खुद ममता की पार्टी फंस गई है। पहले तो नारे लगाए गए, अब टीएमसी की ओर से निंदा भी की जा रही है। दक्षिण कोलकाता तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष देवाशीष कुमार ने कहा, हम निश्चित तौर पर इस नारे का समर्थन नहीं करते, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जबकि उधर बंगाल बीजेपी ने टीएमसी को इस नारे की वजह से पूरी तरह से घेर लिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है, टीएमसी ने इसे शांति रैली कहा लेकिन इस रैली में बड़े पैमाने पर बर्बरता की गई, बीजेपी के झंडे और पोस्टर्स फाड़े गए। दक्षिण कोलकाता की शांति रैली में गोली मारो सालों को जैसे नारे सुनाए गए। क्या शांति की यही परिभाषा है? किस तरह से टीएमसी सिटी ऑफ जॉय को ध्वस्त कर रही है? बीजेपी भले ही टीएमसी पर भड़क रही हो लेकिन खुद बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की रैली में भी इसी तरह के विवादित नारे सुनाई दिए। बीजेपी की रैली में यही विवादित नारे लगने पर देश के सभी सो कॉल्ड सेक्युलर और खान मार्केट गैंग ने खूब हल्ला मचाया था, लेकिन टीएमसी की रैली में जब यही नारे सुनाई पड़े तो जैसे सभी सो कॉल्ड सेक्युलरों को सांप सूंघ गया। अब तक किसी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी उस वक्त कहा था कि बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर की एक साल के लिए संसद सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए या फिर आईपीसी के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन टीएमसी की शांति रैली में लगे गोली मारो सालों को नारे पर उनका अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया और ना ही सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी की शांति रैली में लगे विवादित नारे पर कोई ट्वीट किया। इतना ही नहीं, टीएमसी नेता मदन मित्रा ने तो यहां तक कह दिया कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। जब तक बंगाल चुनाव नहीं खत्म हो जाते, इस तरह की विवादित बयानबाजी अभी आपको और भी सुनाई दे सकती है।